हेलो एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। चलिए आज वर्ल्ड कप के किस्सों की जो मैं बात करूंगा उसमें एक दिलचस्प कहानी उठाता हूं। हर बाप चाहता है कि उसका जो सुपुत्र है वो उससे दो कदम आगे निकले, उसका बेटा उनसे आगे निकले। तो भारतीय क्रिकेट में कभी ऐसा हुआ है कि विश्व कप के अंदर एक पिता और एक बेटा दोनों विश्व कप स्क्वाड में भारत के रहे हों? ये दिलचस्प क्वेश्चन है। चलिए थोड़ी सी इसकी भूमिका बांधते हैं। दो तीन बड़े नाम उठाता हूँ। सबसे बड़ा नाम अगर आप भारतीय क्रिकेट में देखेंगे पिछले 30 सालों के अंदर मास्टर ब्लास्टर, जिन्हें मैं ओरिजिनल मास्टर की बात कर रहा हूँ, और वो ओरिजिनल मास्टर थे लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर से पहले सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर भी क्रिकेट खेले भारत के लिए और लगभग 11 एक दिवसीय मुकाबले भी उन्होंने खेले भारत के लिए, इंडिया कलर्स पहने वनडे इंटरनेशनल्स में। लेकिन वो वर्ल्ड कप भारत के लिए नहीं खेले। सुनील गावस्कर ने तो ज़रूर खेला, लेकिन रोहन गावस्कर के नाम एक भी वर्ल्ड कप का मैच या वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। तो एक बड़ा नाम तो दूर हो गया कि ये फादर सन डुओ जो भारत के लिए सिलेक्ट हुए हों वर्ल्ड कप खेलने के लिए। एक और ऐसा नाम जहन में आता है जो लेजेंड रहे लेकिन वर्ल्ड कप नहीं खेले, और उनके पुत्र भी वर्ल्ड कप नहीं खेले और उनके सुपुत्र तो फिर क्रिकेट नहीं खेले, विनू मंकड, अशोक मंकड, फादर सन डुओ, लेकिन दोनों ही वर्ल्ड कप नहीं खेले। भारत के लिए ज़रूर खेले विनू मंकड भी और फिर अशोक मंकड भी, और अशोक मंकड रिटायर कर गए 1974 में, उनका आखिरी मैच था, पहला वर्ल्ड कप ही 1975 में हुआ। तो क्रिकेट तो भले ही खेले भारत के लिए लेकिन विश्व कप नहीं खेले। और उनका बेटा जो है अशोक मंकड का, हर्ष मंकड, वो क्रिकेट छोड़ के टेनिस खेलने निकल पड़े और भारत के लिए डेविस कप भी खेले हर्ष मंकड, तो एक बड़े अकम्प्लिश टेनिस प्लेयर बने, लेकिन वो कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठा। अब आप और अगर नाम सोचते हैं तो कौन, अब अंगद बेदी की बात ना ही करें, वो अलग ही लाइन में निकल गए, बिशन सिंह बेदी के बेटे, पर क्रिकेट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं। पर ऐसा एक नाम है और वो एक नाम है फादर सन डुओ का, रॉजर बिनी और स्टुअर्ट बिनी। रॉजर बिनी 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का अहम हिस्सा थे। याद रखिए 1983 के उस वर्ल्ड कप की जो जीत थी भारत के नाम, उस पर तो अब एक मूवी भी बन रही है। पर रॉजर बिनी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भारत की और खेले और बहुत अहम परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, उसके बाद भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। उनके बेटे स्टुअर्ट बिनी, उनका सिलेक्शन हुआ था 2015 में भारतीय वर्ल्ड कप टीम के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर स्टुअर्ट, केपेबल खिलाड़ी हैं, केपेबल क्रिकेटर हैं, लेकिन उनको उस 2015 वर्ल्ड कप के अंदर भारत के लिए एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर चांस ही नहीं मिला उनको खेलने का, बट सिलेक्शन ज़रूर था, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे और भारत की तरफ से पहले फादर सन डुओ ये हैं बिनीज, रॉजर बिनी एंड स्टुअर्ट बिनी, जो इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा रहे। चलिए इस तरह की कहानियां मैं आपको बताते ही रहूंगा, पर फिलहाल अगले ऐसे फादर सन डुओ के लिए शायद अब सबकी नज़रें अर्जुन तेंदुलकर पे होंगी कि ना सिर्फ वो भारत के लिए खेले हैं पर विश्व कप की टीम के लिए चयन हो और विश्व कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा बन जाए, तो हमारे लिए एक नई ट्रिविया स्टोरी बन जाएगी आपको बताने के लिए आने वाले एपिसोड्स में।